गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब एक नया चैप्टर ले रहा है थ्योरी वाला फिर से, और सर चैप्टर बिल्कुल ईजी, टाइम बहुत कम लगेगा, और चैप्टर का जो नाम है, नाम लिख लेते हैं सिक्योरिटाइजेशन। पहली बात, चैप्टर जो है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ना हर अटेम्प्ट में आता है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता बनता है इससे। सर तरीका क्या होगा पढ़ाने का? पढ़ने का और समझने का मेथड ये है कि पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट से डिस्कस करूँगा, मेन पॉइंट से डिस्कस करूँगा जो कि मैं बोर्ड में लिखूँगा, और उसके बाद जो कि आपकी स्टडी मटेरियल में है, उसका PDF है हमारे पास, तो फिर वो डिस्कस कर। सर क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन? बस बेटे यही समझना है, बिल्कुल सारी बातें ठीक से समझना। चैप्टर का नाम, ये डायग्राम ना आप लोग बना लेना। क्यों बना लेना? क्योंकि कॉपी में बना रहेगा या फिर बुक में साइड में कहीं ना कहीं बना लेना काम है। चलो बेटे बात करते हैं। मान लो ये है बस इतना बता दूं, जो बैंकिंग बिजनेस है, उन बैंकिंग बिजनेस जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है, उन बैंकिंग कंपनीज का मेन काम क्या है? सर मेन काम तो हमको बचपन से मालूम है, हम पैसे लेते हैं, मतलब बैंकिंग बिजनेस पैसा या तो डिपॉजिट लेता है या तो लोगों को लोन देता है, और लोन देने पर बैंकिंग बिजनेस को इंटरेस्ट की इनकम होती है। ओके, तो लोन किस किस टाइप के हो सकते हैं? सर लोन जो है वो होम लोन हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, व्हीकल लोन हो सकते हैं, और भी बड़े सारे टर्म लोन हो सकते हैं। टर्म लोन तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब बात करते, ध्यान से समझना बेटे, ये एक बैंक है और ये है और इस बैंक ने इन लोगों को क्या दिया है? लोन। ठीक है जी। ओके सर, सर क्या हो सकता? होम लोन हो सकता है, 20-20 साल के लिए, 30-30 20-20 साल के लिए लोन दिया गया है, 20 साल के लिए। और सुनो, गाड़ियों पे भी लोन दिया जाता है, गाड़ियां खरीदने के लिए पब्लिक को, किस 5 साल 7 साल, और भी बड़े सारे लोन दिए। अब एक बात बताओ, ये जो बैंक है, इन्होंने पब्लिक को लोन तो दे दिया है, और लोन का नो डाउट इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो पैसा है या EMI वो तो ब्लॉक हो गया ना, वो धीरे धीरे मिलेगा। इस तरह से 20-20 साल के लिए, 10-10 साल के लिए लोन देते जा रहे हो आप, और आपको नो डाउट मिलने वाला, पर थोड़ा थोड़ा हर मंथ महीने मिलेगा। अब सवाल ये है, और भी तो लोग आएंगे लोन मांगने के लिए, वो तो उस समय पैसे कहाँ से लाए? सवाल बस इतना सा है कि आप बैंक का पैसा ब्लॉकेज हो गया है, उन्होंने पब्लिक में लोन दे दिया है, अब और भी लोग लोन मांगने के लिए आएंगे, तो बैंक लोन देगी तो सही, पर पैसा का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? सवाल ये। सर दूसरी बैंक से उधार ले लेते हैं, दिक्कत क्या है? अब समझना, दूसरी बैंक से, क्योंकि देखो हमारा बिजनेस, हम बैंकिंग बिजनेस है, तो हम एक काम करते हैं ना, दूसरी बैंक से पैसे उधार लेते हैं और पब्लिक में देते हैं, दूसरी बैंक से फिर पैसा उधार लेंगे फिर पब्लिक में दे देंगे। बिट्टे समझने की कोशिश करना, जैसे ये होता बैलेंस शीट, पैसा या तो आप इक्विटी से उठाते हो या तो डेट से उठाते हो, और फिर इसको क्या करती है बैंकिंग बिजनेस, लोन्स पब्लिक में बांट देती है। अब एक बात बताऊं, जितना इक्विटी और डेट का पैसा था, सबकी सब आपने लोन्स एंड एडवांसेस पब्लिक को लोन दे दिया, अब और भी पैसों की जरूरत पड़ी, तो फिर आप डेट से पैसे उठाओगे, यही कह रहे हो? डेट से पैसे उठाओगे तो क्या डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा? हाँ सर, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, तो क्या याद रिस्क बढ़ जाएगा? यस। तो फ्यूचर में जो आपको पैसा उधार देंगे ना डेट, क्योंकि आपका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, तो आपको सस्ते रेट पे, कम रेट पे कभी भी उधार नहीं मिलेगा बैंकिंग बिजनेस, आपको ज्यादा हाई रेट पर उधार मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा।
दूसरा जो इक्विटी होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, वो आपसे अब की बार ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगा, उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्क है, डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा। इसी वजह से हम दूसरी बैंक से पैसे नहीं उठाएंगे। ठीक है जी? ओके सर, बात यहां तक तो हमारी समझ में आती है। तो अब क्या करें? बस एक ही समस्या है, समस्या बेटे प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझोगे तो आपको बात सारी बातें समझ में जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, यहां तक बात समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपने लो आप हो बैंकिंग बिजनेस, आपने लोगों को लोन दे दिया है, सवाल है पैसा ब्लॉकेज हो गया है, दूसरी जगह से हम पैसे उठा नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ, ये जो पैसा ब्लॉकेज हो गया इसका कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। काश कोई ऐसा आ जाए, आप समझना मेरी बात में, काश कोई ऐसा आ जाए, बोलो क्या मेरा पैसा ब्लॉकेज है? हाँ, कहाँ इन लोगों से मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। सर कितने के लोन है? करोड़ों रुपए के लोन है, करोड़ों अरबों रुपए के लोन है जो मुझे इन पब्लिक से लेना है। अब सुनना ध्यान से, काश कोई ऐसा आ जाए कि ये जो लोन है ये मेरी एसेट है, ये एसेट उठाकर, ना ध्यान से बेटे, ये एसेट से उठाकर मैं किसी को दे दूं और उससे पैसे ले लूं। सर ये तो फैक्टरिंग टाइप का, बेटे फैक्टरिंग नहीं है, बात समझने की, ये कुछ और ही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है जो कि मैं पब्लिक में दिया हुआ हूं, ये मेरे लिए एसेट्स है। इन एसेट्स को क्या इनसे अभी पैसा मिल जाएगा तुरंत? नहीं। तो इन एसेट्स को मैं उठाऊं, इसका बंडल बनाऊं, बिल्कुल बंडल, और किसी को ट्रांसफर कर दूं और उससे पैसे ले लूं, बात खत्म। सर सामने वाले को आप ये एसेट्स दे रहे हो? यस सर। उनको पैसे का, मैं इन लोगों से बोलूंगा जो मेरे जिनको मैंने लोन दिया ना, मैं इन लोगों से बोलूँगा सर आप उन्हीं को पैसे दे देना, ईएमआई जो दोगे ना वो उनको देना, बात खत्म। क्या मेरे पास तुरंत पैसे आ जाएंगे? हाँ। क्या डेट बढ़ेगा? नहीं। बस यही तो फायदा है। इट मीन्स सर आप क्या कहना चाहते हो? अब समझो बेटे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना सा ये कह रहा हूं कि काश कोई ऐसा आ जाए। जिसको ये लोन मैं ट्रांसफर कर दूं, ये मेरे लिए एसेट्स है ना, ये किया एसेट्स ट्रांसफर, और बदले में मेरे पास क्या आ जाए? कैश आ जाए। दैट्स इट। इट मींस ये जो पैसे मुझे मिलना था आगे से इन लोगों को मिलेंगे। सर चलो ठीक है, कोई आ गया वो आपको पैसे दे देगा। सर जी उसका भी तो पैसा ब्लॉक है ना, आप समझ, इस पर्सन का पैसा ब्लॉक नहीं, आप बोल रहे हो कि ठीक है। अब ये सर ये आपसे आपका जो एसेट्स है ये ले लेगा और बदले में आपको पैसे दे देगा, तो सर इसके पास पैसे कहाँ से आएगा ये बताइए? इसका तो पैसा ब्लॉक है ना, बात है, इस भाई साहब के पास पैसे कहाँ से आएंगे? अब सुनना ये क्या करेगा, अब मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं सबका नाम, सर नाम एक बार लिख लो, नाम लिखने वाला हूँ, इस पे आ रहा हूँ। सर इसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा तभी बात है, इसका नाम होता है स्पेशल पर्पज व्हीकल, इसको बोलते हैं SP, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब एसपीवी क्या करेगा, सुनोगे ध्यान से, एसपीवी ने ये लोन्स एंड करोड़ों रुपए के लोन्स ट्रांसफर मिल गए, इसके पास आ गए एसपीवी के पास। अब एसपीवी क्या कर रहा है, एसपीवी पब्लिक के पास जाएगा, अब पब्लिक बेटे पब्लिक खड़ी हुई है, पब्लिक से बोल रहा, सुनो पब्लिक, सुना ध्यान से बेटे, पब्लिक ऐसा है कि हम लोगों को ना, हमारे पास कुछ कुछ एसेट्स है जिसका हमको इंटरेस्ट ईएमआई वगैरह इन लोगों से मिलेगा, मंथली बेसिस में मिलेगा। तो पब्लिक आप एक काम करो, क्यों ना आप, सुना पब्लिक से, आप मुझे पैसा दे दो थोड़ा 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 थोड़ा, और बदले में मुझसे कुछ सर्टिफिकेट ले लीजिए। इट मीन्स बहुत सारी पब्लिक से थोड़ा 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 पैसा कलेक्ट करो, और पब्लिक को पैसे कैसे वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट, बोले ये जो पैसे देंगे ना ये आप महीने की महीने लेते जाना, बात खत्म, और ज्यादा लेना, आप जितना दे रहे हो विथ इंटरेस्ट उससे ज्यादा मिलेगा। इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स ये हो रहा है कि एसपीवी क्या कर रहा है, सिक्योरिटी इश्यू कर रहा है, सिक्योरिटीज किसको इश्यू कर रहा है, पब्लिक। अब पब्लिक से क्या मिल रहा है, पब्लिक से मिल रहा है पैसे, और वो पैसे किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इसको ट्रांसफर हो जाएगा बैंक को, बात खत्म।
इसका मतलब सर पब्लिक को पैसे कैसे मिलेंगे? यहां से जो ईएमआई आते जाएगा वो पब्लिक को मिलते जाएगा। सर इसका मतलब पब्लिक से, बेटे बिल्कुल ध्यान से, पब्लिक से पैसे लेकर हम पब्लिक को ही दे रहे हैं, अजीब सी बात नहीं लग रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक से। अब समझना होगा क्या ये एसपीवी क्या करेगा, ये एसपीवी क्या करेगा, ये एसपीवी यहां इश्यू करेगा सिक्योरिटीज। और इससे क्या मिलेगा पब्लिक से हमको, कैश, और ये कैश हम इसको दे देंगे। That's it. और पब्लिक को पैसा किन से मिलेगा, यहां से पैसा मिलते जाएगा। सर इनका नाम क्या है? हाँ नामकरण कर दूं, सर इनका नाम क्या है? इनका नाम है इन्वेस्टर्स। सर इनका नाम क्या है? क्योंकि सारा के सारा काम यहीं से स्टार्ट हो रहा, ओरिजिन यहीं से हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर्स। अच्छा सर, और सर ये लोग इनका नाम कुछ है? हाँ क्योंकि पैसे फाइनली जो पेमेंट करना है वो तो इन्हीं लोगों को करना है, इसलिए इनको बोला जाता ऑब्लिगर्स। ऑब्लिगर्स इट मींस एक तो ये पार्टी ही ओरिजिनेटर्स, जो बैंक है इसको क्या बोला जाता है ऑब्लिगर्स। एक कौन हो गया स्पेशल पर्पस व्हीकल, और एक कौन हो गया इन्वेस्टर्स। तो टोटल मिलाकर चार लोगों की बात हो रही है। अब फिर से मेरी बात ठीक से समझते जाना। सवाल ये है कि बैंक ने काम क्या, प्रोसेस क्या हो रहा है? बैंक ने लोन दिया और ये पैसा फंस गया है, ब्लॉकेज हो गया है कई सालों के लिए, करोड़ों रुपए। तो बैंक ने उस लोन से एडवांसेस को ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? एसपीवी को। और एसपीवी ने उसके बदले में पब्लिक से पैसा लिया और बदले में क्या इश्यू कर दिया, सिक्योरिटीज इश्यू कर दिया, और ये पैसा यहां ट्रांसफर कर दिया। बात खत्म। सर बस एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब सुनो ध्यान से। अगर एसपीवी सिक्योरिटीज इश्यू कर रहा है तो बैंक खुद ही सिक्योरिटीज इश्यू क्यों नहीं कर देता? बात समझ बेटे, बेटे समझना। एसपीवी जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, ये कोई बिजनेस नहीं करते, और कोई बिजनेस नहीं, ये ट्रस्ट होते हैं अगर मैं बात करूं तो, ये कोई और बिजनेस नहीं करते। इन लोगों का टारगेट ही होता है कि यही वाला काम करना, लोन्स एंड एडवांसेस परचेस करना और उसके बदले में सिक्योरिटी इश्यू करना। इट मींस ये अलग है, ये अलग है, इस एसपीवी अलग है। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करूं मैं, इसकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट यहां से पैसा आया और इनके पास क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस, और यहां से पैसा आ रहा है, दिस इज इक्विटी। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी बैलेंस शीट में तो कोई डेट पहले से है ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट मींस लेकिन अगर ये सिक्योरिटी इश्यू करते हैं, अगर खुद बैंक ही सिक्योरिटी इश्यू करती तो डेट बढ़ेगा, और डेट बढ़ेगा तो सीधी सीधी सी बात है, डेट बढ़ेगा तो पक्का क्या आपको यहां जिस रेट पे इन, मेरी बात समझो, ये जो पब्लिक है ना इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, दोनों में से कहाँ कौन से वाली सिक्योरिटी खरीदने में इंटरेस्टेड हो गए ये सोचना। अगर मैं यहाँ की सिक्योरिटी खरीदने का सोचूं तो यहाँ ऑलरेडी डेट है, अगर डेट है तो भाई मैं तो कहूँगा रिस्क है यार, मुझे तो ज़्यादा रेट चाहिए। जबकि यहाँ की मैं बात करूँ, अगर मैं ये सिक्योरिटी इश्यू कर रहा है ये एसपीवी, तो वहाँ तो डेट है ही नहीं है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कम के लिए तैयार हो जाऊंगा, जबकि यहाँ मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा। इसलिए ये काम बैंक नहीं करेगा, ये काम कौन करेगा, एसपीवी करेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। ओके, अब इसको ना और एक नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑफ बैलेंसड फाइनेंसिंग। सर ऑफ बैलेंसड फाइनेंसिंग वन बाय वन डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे सुनो। ऑफ बैलेंसड फाइनेंसिंग क्या होता है, सुना ध्यान से। इट मीन्स
इट मींस ये आपकी बैलेंस शीट है, मैं बैंक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ओरिजिनेटर्स के हिसाब से। ये इक्विटी है, ये डेट है, और ये आपका लोन्स एंड एडवांसेस है। अगर मैं मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे और लोगों को लोन देना है, अगर मैं इस तरफ लायबिलिटी बढ़ाता हूँ, पैसों का अरेंजमेंट यहाँ से करता हूँ इस तरफ से, तो इसे बोला जाता है ऑन बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। इट मीन्स पैसों का अरेंजमेंट जब भी होगा वो तो इधर की लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इस बार काम क्या हो रहा है, हम लोन्स एंड एडवांसेस को किसी और को ट्रांसफर करके बदले में क्या आ जा रहा है, कैश। इसको बोला जाता है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होता है, जहां मैं लायबिलिटी बढ़ा नहीं रहा हूँ, सबकी सब अरेंजमेंट यहीं से कर दिया एसेट्स को ट्रांसफर करके, दिस इज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ठीक है, ओके सर। अब बॉस सर एक बात बताइए, ये सब तो होता है, अब इसके अलावा इसको और क्या बोला जाता है, और मैंने एक वन बाई वन डिस्कस करना, मैंने अभी क्या बोला ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, इसे और बोला जाता है बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। सर बंडलिंग एंड अनबंडलिंग क्या होता है समझो, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अलग अलग पर्सन को लोन दिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए, किसी को, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को 20-20 साल के लिए लोन दिया होगा, बहुत सारे लोगों को 10, इन सब को मिलाकर एक बंडल बना लेंगे, अलग अलग है तो बंडल बना लिया, बंडल। ओके सर, सब लोन्स को एक साथ कर लिया, पुल कर लिया, ठीक है, और फिर हमने ये किसको ट्रांसफर कर दिया, एसपीवी को। अब वो जो करोड़ रुपए के लोन है उसको छोटे 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 सिक्योरिटी के तौर पे पब्लिक में इश्यू कर दिया गया, अनबंडलिंग। इट मींस इन सब लोन को एक साथ पुल किया, दिस इज बंडलिंग, और फिर उसको सिक्योरिटी के तौर पे इश्यू किया, उसको बोला जाता है अनबंडलिंग। बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, तो टेक्निकल टर्म एक मैंने क्या बोला ऑफ बैलेंस शीट, दूसरा मैंने क्या बोला बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। अच्छा, तीसरी बात है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में ट्रांसफर कर रहे हो। सर इलिक्विड और लिक्विड क्या होता है, सुना मैंने लोन दिया पब्लिक को, बैंक, क्या बैंक वो लोन हर किसी को बेच सकती है, हाँ बेची जा रहा है बेची, नहीं, ये तो आपका इलिक्विड एसेट्स है, फंस गया पैसा। अब जब आपने ये एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे किसको इश्यू किया, इन्वेस्टर्स को, तो क्या ये सिक्योरिटी ट्रांसफर हो सकती है, हाँ इसको आपने लिक्विड है, लिक्विड है मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है, इट मींस एसेट्स ही है, पर जो पहले क्या था इलिक्विड उसको किस में ट्रांसफर कर दिया, लिक्विड एसेट्स में। ठीक है सर, तो तीन टर्म याद रहेगा, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपसे क्या बोला बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, और तीसरा मैंने आपसे क्या बात किया था इलिक्विड एसेट को आपने किस में ट्रांसफर किया, लिक्विड एसेट्स में। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई। सर एक डाउट है बस, हाँ सर एक बात बताइए, इन्वेस्टर्स को पैसे कौन देगा, ऑब्लिगर्स, बिल्कुल। सर एक बात बताऊं, अगर ये डिफॉल्ट कर दिए तो, सवाल ये भी है, अगर ये पैसे ना दिए, ना जाने इन्होंने डुबा लिया तो फिर क्या करेंगे। पहली बात तो अच्छे से समझ लो कि जब जब भी सिक्योरिटी इश्यू होगी ये ऐसे नहीं होगी, इनका क्रेडिट रेटिंग करवाया जाएगा, देखा जाएगा कि जिन भी इन्वेस्टर्स को, जिन भी पब्लिक को आपने लोन दिया उनका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, रेटिंग एजेंसी आएगी और वो चेक करेगी कि ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब भगवान ना करे ये लोग पैसा ना दे तो फिर इन्वेस्टर्स, सर फिर इन्वेस्टर पैसे किससे वसूल करेंगे, इन्होंने तो पैसा डुबा लिया, क्या एसपीवी से वसूल करेंगे या ओरिजिनेटर से वसूल करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट किस टाइप का, रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है। सर रिकोर्स मतलब फैक्टरिंग में पड़ा हुआ है, रिकोर्स का मतलब ये है कि अगर ऑब्लिगर्स ने पैसा नहीं दिया रिकोर्स, तो इन्वेस्टर्स ओरिजिनेटर्स से पैसे वसूल कर सकते हैं, रिकोर्स, यहां से पैसे नहीं मिले तो यहां से पैसे वसूल करेंगे। और नॉन रिकोर्स का मतलब है अगर यहां से पैसे नहीं मिले तो फिर इनको पैसा नहीं मिलेगा, ये अलग बात है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वगैरह करवा दे। नॉन रिकोर्स का मतलब ओरिजिनेटर हाथ खड़े कर देगा कि भाई आप उनसे वसूल करो, अगर उनसे नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार। अब क्या है, मैं बहुत सारा एक साथ बोल रहा हूं,
तो दिक्कत क्या है सर कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतना सारा रिटेन नहीं रख पाओगे, तो वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये आया हुआ है कि कितनी पार्टी होती है सिक्योरिटाइजेशन, कितने टाइप के, कितने पार्टिसिपेंट होते हैं। तो पहला टॉपिक ये डिस्कस करें कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, कौन कौन पार्टी होती है। तो चलो जी, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटाइजेशन। तो जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसने दो पार्ट में बांटा हुआ है इसको, अगर देखा जाए तो दो टाइप की पार्टी। फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पार्टिसिपेंट में उसने किन किन, बोले ये तीन लोग हैं जी प्राइमरी, ओरिजिनेटर्स है, एसपीवी है और इन्वेस्टर्स है। तो तीन लोगों को उसने प्राइमरी पार्टिसिपेंट में बांटा है। ओरिजिनेटर्स, ओरिजिनेटर्स कौन है आपको पता होगा, हाँ, जो ये सारा काम करवा रहे हैं ओरिजिनेटर्स। दूसरा मैंने क्या बोला, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी बोलेंगे चलेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। और तीसरा कौन है, इन्वेस्टर्स जो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर्स। ठीक है, तीन पार्टी हो गई प्राइमरी। सर सेकेंडरी कौन हो गया, सेकेंडरी में फर्स्ट जो नाम है वो है ऑब्लाइगर्स का, या ऑब्लिगर्स बोल दो, सर और कौन होते हैं। अब वन बाय वन सुनते जाना, एक बार बताऊं क्या रेटिंग एजेंसी लगेगी, हाँ क्योंकि क्रेडिट रेटिंग तो चाहिए, तो रेटिंग एजेंसी ले लीजिए दूसरी। थर्ड, अब सुनो ध्यान से, सर एक बात बताऊं, चलो किसी बैंक का सिक्योरिटाइजेशन कर दिया, मैंने होम लोन लिया था, ओके, अगर मैंने होम लोन लिया, मैं अपनी बात करूं, मैंने होम लोन लिया और इस बैंक से लिया था, इसने कुछ ऐसा ऐसा करके सिक्योरिटाइजेशन कर दिया, सर मैं जो किस्ते दूंगा, जो इंस्टॉलमेंट दूंगा, मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं लगता, मैं तो बैंक को जाकर जमा करता हूँ। यस सर, ये लोग पैसे किसको देंगे, बैंक को देंगे, ओरिजिनेटर्स को देंगे कि इन्वेस्टर्स को देंगे, किस एसपीवी को देंगे, किसको पैसे देंगे। सवाल ये है, इन सब के लिए एक एजेंट होता है जिसका नाम होता है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। और रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट काम क्या करता है, वो इन लोगों से कलेक्ट करता है ईएमआई और फिर ये इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर देता है। तो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट या तो अलग से भी हो सकता है या फिर ओरिजिनेटर्स ही रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट का काम करता है। इसलिए हम ना इनको पैसे देते हैं, हमको पता ही नहीं लगता, जबकि यही रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट है, रिसीव करेंगे, पे करेंगे, रिसीविंग एंड, अलग भी हो सकता है या ओरिजिनेटर्स भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी में और एक हो गया रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। फोर्थ ऑब्लिगर्स हो गया, और कौन बताया मैंने, रेटिंग एजेंसी हो गया, और क्या बताया, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। प्राइमरी पार्टिसिपेंट की, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट की बात कर रहा सर। इसके अलावा भाई, क्योंकि ये सिक्योरिटी इश्यू हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इस पक्का इन सब के लिए ट्रस्ट तो होना जरूरी, बिना ट्रस्ट के तो काम नहीं होगा, तो ट्रस्टी होना भी जरूरी, बिना ट्रस्टी के काम हो ही नहीं सकता। ट्रस्टी,
ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। और बताइए ट्रस्टी के अलावा, ये सर एक बात बताओ, एसपीवी को ओरिजिनेटर से कौन मिलाएगा, और एसपीवी सिक्योरिटी इश्यू करेगा, ऑब्लिगेशन, इन सब की जो डील करवा रहा है, क्या डील करवाने के लिए कोई ना? हाँ बेटे, डील करवाने के लिए एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है डील स्ट्रक्चरर। मैंने स्टार्टअप फाइनेंस में समझाया हूँ, ऐसे भी इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरर। ये सारा काम करवाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, स्ट्रक्चरर। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते क्रेडिट इन्हेंसर। सर ये क्यों होता है क्रेडिट इन्हेंसर? बात समझने की कोशिश कर, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? परेशान इन्वेस्टर्स। अगर इनको पैसे किससे वसूल करना है? इन लोगों से, ऑब्लिगर से। ऑब्लिगर से देंगे, अगर ऑब्लिगर से डिफॉल्ट कर गए और हमारा नॉन रिकोर्स बेसिस पे एग्रीमेंट है, अगर ये डिफॉल्ट कर जाते तो फिर तो टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर तो ये लोग डूब जाएंगे, क्योंकि इससे तो पैसे वसूल ही नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन रिकोर्स बेसिस पे है। तो जो कुछ है हम तो इस पर डिपेंड है, ऑब्लिगर्स पे। अगर ऑब्लिगर्स पैसे नहीं देते हैं तो खेल खत्म, फिर कैसे करेंगे? तो कोई ना कोई ऐसा है जो गारंटी दे दे कि अगर ये पैसा ना दे, मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रकार की गारंटी, अगर ये पैसे ना दे तो हम पैसे देंगे, दिस इज क्रेडिट इन्हेंसर बोला जाता है उसको। अच्छा सर, क्रेडिट तो ये चीजें आपको याद करनी है। और चार नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं जानता कि आप सारा लिखो कि नहीं लिखो, पर कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, तीन चार पार्टी के तो नाम लिखना पड़ेगा। फटाफट से बोलो कितने पार्टिसिपेंट होते हैं? दो कैटेगरी में बांट देंगे, एक हो गया प्राइमरी और दूसरा कौन सा? सेकेंडरी। प्राइमरी पार्टिसिपेंट में तीन लोगों का नाम आएगा, किस किस का? ओरिजिनेटर्स, एसपीवी और इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में ऑब्लिगर्स होना चाहिए फर्स्ट, रेटिंग एजेंसी चाहिए चाहिए, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट भी चाहिए, ट्रस्टी भी चाहिए ट्रस्टी, इसके अलावा स्ट्रक्चर जो ये सब डील करवाता है, और इसके अलावा क्रेडिट एनहेंसर। ठीक है, याद हो जाएगा। ओके सर, अब आगे चल रहा है, टोटल मिलाकर मुझे 6 पॉइंट्स कवर करवाना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर करवा दिया कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते। अब सेकंड लिखोगे, सेकंड आएगा बेनिफिट फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन, सेकंड पॉइंट। बेनिफिट फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन दूसरा पॉइंट है, और बेनिफिट आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। इट मींस दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक तो देखना पड़ेगा फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर्स, नहीं पहले ओरिजिनेटर्स की, और दूसरा क्या आएगा फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर्स। तो बताओ ओरिजिनेटर्स को क्या फायदा है भाई? सबसे पहले इस बैंक वाले को क्या फायदा है? पहला फायदा ऑफ बैलेंसड फाइनेंसिंग है, लायबिलिटी बढ़ी नहीं, एसेट्स को ट्रांसफर करके पैसा आ गया, तो फर्स्ट फायदा ऑफ बैलेंस इट फाइनेंस। सेकंड की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है। सर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब अगर देखा जाए तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, मुझे इन लोगों से पैसे लेना है, मैं बैंक हूँ ओरिजिनेटर, मुझे इन लोगों से पैसे लेना है, पर ये डिफॉल्ट भी तो कर सकते, रिस्क है कि नहीं है? है, लेकिन अगर मैं एसपीवी को ट्रांसफर कर देता हूं नॉन रिकोर्स बेसिस,
मेरा रिस्क जो है मैंने तो किसी और को ट्रांसफर कर दिया, अब ये पैसे दे ना दे बात खत्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉन रिकोर्स बेसिस पे है एग्रीमेंट, तो फिर ये पैसे दे ना दे मुझे मतलब नहीं है। तो क्या रिस्क का मैनेजमेंट हो गया? यस। रिस्क मैनेजमेंट, अब बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गया, लायबिलिटी नहीं बढ़ी, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और क्या रेशियो में इंप्रूवमेंट हो गया, हेल्थ, टू इंप्रूव इन फाइनेंशियल रेशियो। सर डेट इक्विटी रेशियो में इंप्रूवमेंट? नहीं भाई नहीं, कुछ और ही बात लिखी स्टडी मटेरियल में। बिल्कुल ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझो। कभी क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुना है? कार बैंकिंग बड़े हो, आईपीसीसी ग्रुप टू में शायद अकाउंटिंग में था बैंकिंग, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और उसका फॉर्मूला हुआ करता था कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड। और ये जो है ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये ज्यादा होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब रिस्क वेटेड एसेट कम होना चाहिए, और रिस्क वेटेड एसेट का मतलब है जो आपकी जो बैलेंस शीट है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी एसेट्स है जैसे लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, कैश हो गया, ये सब की सब एसेट्स है, और इसमें हम रिस्क वेटेड एसेट ज्यादा रिस्की, जो ज्यादा रिस्की है उसको उस हिसाब से वेट देते थे। जैसे लोन्स एंड एडवांसेस भाई बड़ा रिस्की है तो उस पर वेट ज्यादा होता था, उसको हम ज्यादा रिस्की मानते थे। कैश, कैश तो हमारा खुद का है तो उसमें तो रिस्क है ही नहीं है। तो होता क्या था, रिस्क वेटेड एसेट होता था और हम लोग निकालते थे, और ये रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा होना चाहिए, और ये ज्यादा कब होगा? जब रिस्क वेटेड एसेट्स कम होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक से अगर मैं सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस करूं तो मैं अपना लोन्स एंड एडवांसेस ट्रांसफर कर दिया, बदले में कैश आ गया, इट मीन जो रिस्की एसेट्स था उसको ट्रांसफर करके मेरे पास कैश आ गया, तो उसकी वजह से क्या ये कम हो जाएगा रिस्क वेटेड एसेट्स? हाँ। तो उसकी वजह से क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ेगा? हाँ। तो क्या हेल्प हो गया फाइनेंशियल रेशियो में? यस। तो ये चीजें लिखी हुई है आपका। अच्छा सर ठीक है, ओके ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई, अलग अलग एंगल से बात हो रही थी। और अब आगे तो अब बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है, यस हाँ, रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, बोलो हाँ हाँ, क्या इम्प्रूव हो रहा फाइनेंशियल रेशियो में? यस सर। सर और क्या फायदा है? और फायदा है क्या आपको कम रेट पे काम हो गया आपका? यस। अगर आप खुद सिक्योरिटी इश्यू करते या आप दूसरी बैंक से उधार लेते तो हो सकता आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, क्यों? क्योंकि आपका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा रहता, पर इनके द्वारा आप उधार ले रहे हो, इनके द्वारा पैसे ले रहे हो तो आपको कम रेट में कम चल गया, इट मीन्स लोअर कॉस्ट ऑफ डेट। लोअर कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, किसके एंगल से बात हो रही है? फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर्स के एंगल से चार फायदे है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इंप्रूव हो गया फाइनेंशियल रेशियो में, और किसका नाम लिखोगे? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का नाम लिखना ही लिखना है, और कॉस्ट ऑफ डेट जो है उसका जो डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम की ज्यादा कम में बात होगी। अब किसके एंगल से बात करो? इन्वेस्टर्स, इन भाई साहब लोगों के, सर इनके एंगल से क्या फायदा? फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन, सर डाइवर्जिफिकेशन का मतलब अब सोच के देखना, इन लोगों से पैसा लेना है करोड़ों रुपए, किसी का 10 साल का लोन, किसी का 20 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 8 साल का, अलग अलग पर्सन है,
और इनसे जो पैसे मिलने वाले वो इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है, उनको सिक्योरिटी इश्यू हुई है, सिक्योरिटी 10-10 हज़ार की सिक्योरिटी, 20-20 हज़ार की सिक्योरिटी। इट मीन्स मेरे पास जो 10 हज़ार की सिक्योरिटी है, मुझे पैसे किससे वसूल करना, इससे कि इससे सब लोगों से। डाइवर्सिफिकेशन है ना, जो 10 हज़ार रुपए की मैंने सिक्योरिटी परचेज किया है वो तो एक इस टाइप का किसी एक पर्सन से, सब लोगों से। एक डिफॉल्ट करेगा, दो डिफॉल्ट, तीन डिफॉल्ट, सब लोग थोड़ी ना करेंगे। क्या मैंने अपना जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई कर लिया? यस, डाइवर्सिफिकेशन है। आप उस एंगल से देखो तो बात समझ में जाएगी। ओके सर, और सर और क्या फायदा है? सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन एक फायदा हो गया। दूसरा, अब सुनो, क्योंकि ये बैंकिंग बिजनेस है, तो बैंकिंग बिजनेस है तो आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो इस तरह से काम नहीं होगा कि हाँ, अब एक बात, बैंक वाला जो लोन देता है पब्लिक को, क्या ऐसे किसी को भी दे देता? नहीं, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जाता, उसके बाद लोन दिया जाता। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन लोगों का टेंशन, इन लोगों का थोड़ा सा ना बर्डन कम रहता है। यार हम इन्वेस्टर्स है, और बैंक ने जिनको उधार दिया भाई, बहुत सोच समझ के उधार दिया होगा। इट मीन्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है। थर्ड की बात करो, अब क्या सर इनको पैसे मिल जाएंगे? यस, इनको पैसे किससे मिलेंगे? इनसे, ऑब्लिगर्स से। सर इनसे नहीं मिल पाए तो रिकोर्स बेसिस से, तो ओरिजिनेटर से पैसे लेंगे। सर मान लो रिकोर्स नहीं है, नॉन रिकोर्स से। उसके बाद एक होता क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सर ये क्या होता? जब भी आप होम लोन वगैरह लेते हो ना बेटे, तो मान लो इंश्योरेंस करवाया जाता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर इन लोगों के साथ कुछ घटना घटित हो जाती है, अगर ये पैसे नहीं दे पाए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। दिस इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो इन लोगों का प्रोटेक्शन होता है, तो डिफॉल्ट नहीं होता। तो यहां लिख लेते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो सर जी ऐसा है कि देखा जाए तो बेनिफिट देखना है आपको, बेनिफिट फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन। किस किस के एंगल से देखना है? दोनों के ही एंगल से, फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर्स और फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर्स। ओरिजिनेटर्स के लिए क्या क्या फायदा? एक तो ऑफ बैलेंसड फाइनेंसिंग हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, लोन्स एंड एडवांसेस को ट्रांसफर किया और बदले में पैसे आ गए। दूसरा, रिस्क का मैनेजमेंट हो गया। इट मीन्स अगर ये पैसे डुबा लेते तो दिक्कत थी ना, अब तो हमने रिस्क रिस्क था, रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। और क्या फायदा है? हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और क्या फायदा है? हमें जो डेट, जो पैसा मिला वो सस्ते में मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स को भी फायदा है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है बैंकिंग में, तो इन लोगों का थोड़ा टेंशन कम होता है, और डिफॉल्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन होता है। इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वॉल्व होती है इसमें। टोटल मिलाकर मुझे कितने पॉइंट करवाना है? छ, छ में से कितना पॉइंट किया है? दो। अब आगे और, देखोगे पॉइंट नंबर थर्ड, प्रोसेस क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन का, बस ये लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड हो जाएगा। तो लिखोगे पॉइंट नंबर थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इसका मतलब है सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये समझना है। सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट नंबर वन, क्रिएशन ऑफ पुल ऑफ एसेट्स। सीधी सी बात है,
जो एसेट्स है, एसेट्स का मतलब लोन्स, जो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, सबको क्या कर रहे हो आप? पुलिंग कर रहे हो। पुलिंग का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, पुल करने का काम हो रहा है। एसेट्स को पुल कर दिया, अब इन एसेट्स को, जो आपने एसेट्स को पुल किया, इसको क्या करोगे? ट्रांसफर। ट्रांसफर किसको करोगे? एसपीवी। एसपीवी को आपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद एसपीवी क्या करेगा? सिक्योरिटी इश्यू करेगा। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, तीन काम तो हो गए। लोन, जो लोन्स एंड एडवांस एसेट्स को पुल किया, एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया, एसपीवी सिक्योरिटी इश्यू किया। एक बार रेटिंग एजेंसी रेटिंग चेक करेंगी, मतलब क्रेडिट रेटिंग, ये तो होना ही है, इसके बिना काम नहीं होगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होना, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट पैसा लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बता रहा हूँ कि काम क्या क्या होगा। सबसे पहले पुल करोगे एसेट्स को, उसके बाद ट्रांसफर करोगे एसपीवी को, उसके बाद सिक्योरिटी इश्यू करोगे। रेटिंग एजेंसी एक बार चेक करेगी, क्रेडिट रेटिंग तो चेक ही करेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इन सब जो एसेट्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट रिसीव करेगा, पे करेगा, ये सब काम तो होना ही होना। सर इसके अलावा क्या होना है? इसके अलावा अगर ये लोग पैसे नहीं दे पाए तो फिर इन लोगों से पैसे वसूल करोगे, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर अगर जरूरत पड़ी तो। और उसके बाद रिपेमेंट ऑफ फंड, उसके बाद रिपेमेंट हो जाए। ठीक है, मेन मेन बात भी याद रखोगे ना, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का। तो मैकेनिज्म में क्या क्या आ जाएगा? एसेट्स को आपने पुल किया, बंडलिंग किया, उसके बाद एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया, एसपीवी से फिर सिक्योरिटी इश्यू कर दिया, फिर इन सब का क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन होगा और रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग चेक करेगी। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से पैसा, अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया तो यहाँ से रिकोर्स बेसिस पे, तो यहाँ से पैसे वसूल करेंगे। इसके बाद फंड का क्या हो जाएगा? रिपेमेंट हो जाएगा। तो कितने पॉइंट हो चुके हैं टोटल मिलाकर? 3 पॉइंट हो चुके हैं। और कितने पॉइंट बाकी है? 3 पॉइंट बाकी है। तो इसके बाद 3 पॉइंट कर लेते हैं। तो टोटल मिलाकर 6 पॉइंट्स करना था हम लोगों को सिक्योरिटाइजेशन में, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कर चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे? तो एक था पार्टिसिपेंट कितने होते हैं, दूसरा क्या था? दूसरा सर जी ये था कि बेनिफिट क्या है, दो अलग अलग एंगल से बात किया था, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन का। चौथा, जब एसपीवी सिक्योरिटीज इश्यू करती, तो सर ये सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आखिर होता क्या बेटे? नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता। एसपीवी जो सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं, वो 3 टाइप की सिक्योरिटीज होती है। मतलब मैं यहाँ बात पॉइंट नंबर 4 पे आ गया, और पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि कितने टाइप की सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। 4 सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। अगर देखा जाए तो इनको इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट को 3 कैटेगरी। फर्स्ट, पास
थ्रू सर्टिफिकेट्स, इसको क्या बोला जाता है? पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट। दूसरा पे थ्रू सिक्योरिटीज, पीटीसी, और तीसरा हो गया स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। सर ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल नए नए नाम है। हाँ बेटे, अब समझना पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है। हालांकि सब कुछ लिखा हुआ, मैं तो आपको रीड करवाऊंगा ही करवाऊंगा। पास थ्रू सर्टिफिकेट होता क्या, मैं हूं एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल, मैं सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा हूँ। किस बात के लिए सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा हूँ? कि मैं कह रहा हूँ कि सर जी ऐसा है कि मुझे ऑब्लिगर से जो प्रिंसिपल मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, और जैसे जैसे मिलते जाएगा मैं आपको देते जाऊंगा। दिस इज पास थ्रू सर्टिफिकेट, कुछ नहीं है। जो पैसा मुझे मिलेगा ईएमआई के रूप में, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, चाहे वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट हो, वो सब की सब, जितने भी मेरे सिक्योरिटी होल्डर है, जितने भी मेरे सर्टिफिकेट होल्डर है, सबको मैं पास करते जाऊंगा। जब जब पैसे मिलते जाएगा तब तब मैं पास करते जाऊंगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी ऑब्लिगर्स है जो जल्दी पेमेंट, प्री पेमेंट, जैसे 10 साल के लिए लोन है ना, 8 साल में ही पेमेंट कर देते हैं, तो जैसे अगर जल्दी पेमेंट मिला तो मैं भी आप लोगों को जल्दी की जल्दी पास आउट करूंगा। जो जो जितना जितना पैसा आते जाएगा मैं सर्टिफिकेट होल्डर को, सिक्योरिटी होल्डर को पास करते जाऊंगा। दिस इज पास थ्रू सर्टिफिकेट प्रोपोर्शनेटली। सर इसका मतलब है अगर पैसे नहीं मिले तो नहीं देंगे, पैसे जल्दी मिल गए तो मैं जल्दी दूंगा। मैं अब बचाऊंगा कुछ नहीं, उसका कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूंगा, कोई एक पीरियड भी नहीं है, जैसे पैसे आते जाएगा मैं पास करते जाऊंगा। दिस इज पास थ्रू सर्टिफिकेट। बाकी डिटेल तो आपको पढ़ने को मिलेगा। और एक होता पे थ्रू सिक्योरिटीज, ये काम की चीज। इसमें होता क्या है, मैं गया इन्वेस्टर्स के पास और इन्वेस्टर से बोला ठीक है भाई पैसे लगाओ, कितने दिनों के लिए लगाना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार ज्यादा दिनों के लिए नहीं, 4-5 साल के लिए लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यार बड़ा फायदा दिख रहा भाई, 10 साल के लिए लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 2 ही साल के लिए लगाऊंगा। इट मीन्स क्या अलग अलग पीरियड के लिए पैसे लगाए जा सकते हैं? हाँ, ट्रेंच बना, ट्रेंचिंग मतलब शाखा है। कुछ 2 साल की सिक्योरिटी हो गई, कुछ 5 साल की सिक्योरिटी हो गई, कुछ 10 साल की सिक्योरिटी हो गई, अलग अलग ब्रांचेस बना लिया जाता, अलग ट्रेंच कर दिया जाता, ट्रेंचिंग बना दिया जाता। और जब पैसा आते जाएगा मैं लोगों को पैसे वापस करते जाऊंगा, ठीक है। जो 2 साल के लिए उनको वापस कर दिया जाएगा, उनको प्रिंसिपल भी उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, जिसने 10 साल के लिए उसको थोड़ा देर से, अलग अलग ट्रेंच बनाया जाता है सर। और अगर एक्स्ट्रा पैसे आ गए, कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते ऑब्लिगर्स जो प्री पेमेंट कर दे, होम लोन वगैरह का प्री पेमेंट कर दे, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा मैं अभी वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोल के रखा कि 10 साल में पैसे वापस करना है। तो उन पैसों को एसपीवी क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा और उससे भी कमाई कर देगा। जबकि पास थ्रू सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं था, इसमें तो जैसा पैसा आया चाहे जल्दी पैसा आया तो मैं जल्दी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन पे थ्रू सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं है, पे थ्रू सिक्योरिटीज में जो पीरियड है उसी पीरियड में वापस होगा। अगर मुझे ऑब्लिगर से जल्दी पेमेंट आ गया तो मैं पास नहीं करूंगा, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा और जितना टाइम दिया उस पीरियड में मैं वापस करूंगा। दिस पे थ्रू सिक्योरिटीज पीटीएस, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना इसको यार, ये जो है ये पीटीएस, पास थ्रू सिक्योरिटीज, पे थ्रू सिक्योरिटीज सॉरी। और तीसरा क्या होता, तीसरा होता स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब तो डेरिवेटिव में समझाया हूं, पर फिर भी इसको 2 पार्ट में बांटा है। एक का नाम है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज और एक का नाम है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज। नाम से ही लग रहा होगा आपको, हाँ सर, इसका मतलब मैं इन्वेस्टर से ये बोल रहा हूँ कि भैया 2 टाइप की सिक्योरिटी है सर जी, एक होती है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी, एक होती है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज। इसका मतलब आपको कौन सा खरीदना है? बोले प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज क्या हो गया? बोले इधर से प्रिंसिपल का ईएमआई आता ना, ईएमआई को मैं 2 पार्ट में बांट दूंगा,
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी जिसने खरीदा उसको इंटरेस्ट दे दूंगा, जिसने प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी खरीदा उसमें प्रिंसिपल, ईएमआई के दो पार्ट होते हैं, तो जो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी जिसने परचेस किया उसको इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी को इंटरेस्ट दिया जाएगा और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी को प्रिंसिपल दिया जाएगा। हालांकि इस टाइप की सिक्योरिटीज बहुत कम इश्यू होती है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्या है सुनो, प्रॉब्लम मान लो मार्केट में, इसमें ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता, मैं समझा रहा हूँ, लोन वोनों दे दिया, सिक्योरिटीज में इश्यू कर दिया, अब मार्केट में जिन लोगों ने मुझसे लोन लिया था, मैं हूँ ओरिजिनेटर्स, और जिन लोगों ने ऑब्लिगर्स जिन्होंने मुझे मुझसे लोन लिया था, मान लो उन्होंने 10% पे लिया था उधार, वो रेट तो चेंज हो ही नहीं सकता फिक्स, और मार्केट में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, जबकि इन्वेस्ट जो ऑब्लिगर से उन्होंने मुझे 10% पे उधार लिया था 10%, तो वो लोग कोशिश क्या करेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि यार ठीक है भैया मार्केट में तो वैसे ही रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, आराम से पेमेंट करो, पोस्टपोन करो जितना हो सकता है। इस चक्कर में जो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज है जिन्होंने खरीदा है वो तो रास्ता ही देख रहा है कब मिलेगा कब मिलेगा, और ये लोग पोस्टपोन करते जाएंगे। इस चक्कर में जो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी उसका प्राइस कम हो जाएगा और इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक क्या करेगी, वो इंटरेस्ट पेमेंट करने को तैयार हो जाएगी, मतलब इंटरेस्ट दो ना या 10% कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी और इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी, अगर मार्केट में सुनना फिर से, मान लो 10% पर रेट ऑफ, ये सर ये सब कहाँ लिखा, ये सर आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, इसलिए प्लीज सुनना जरूर मैं जो बता रहा हूँ। सर मान लो ऑब्लिगर्स ने 10% पे लोन लिया, यस, और सर मार्केट में 8% हो गया, अब मैं ऑब्लिगर्स मैं ये सोच रहा हूँ यार मार्केट में तो 8% है भाई, मैं इनको 10% क्यों दे रहा हूँ, तो मैं जल्दी पेमेंट करने का, प्री पेमेंट करने की कोशिश करूँ, जल्दी से जल्दी पेमेंट करूँ, 10 साल के लिए लोन है ना, 8 साल में निपटाओ, दैट्स इट। तो अब होगा क्या, इंटरेस्ट कम मिलेगा क्योंकि जल्दी पेमेंट हो रहा, तो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, कम, वैल्यू कम हो जाएगी, और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब रीड करोगे तो बात समझ में जाएगी। टोटल मिलाकर 3 टाइप की सिक्योरिटी इश्यू हो सकती है, एक तो है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, बात समझ में आ गई, क्या समझाया था, पास थ्रू सर्टिफिकेट में जैसे जैसे पैसे आते जाएगा मैं देते जाऊंगा। दूसरा पे थ्रू सिक्योरिटीज, अगर जल्दी पेमेंट आया तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे और फिर जब जितना ट्रेंच बना लेंगे, और स्ट्रिप्ड में प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है, बस समझ में। अब आगे चल रहा है, ये था पॉइंट नंबर आपका। अब लिखोगे पॉइंट नंबर 5, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। आप एस लगा सकते हो, मैं जेड लगाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फीचर्स, सर क्या क्या फीचर्स है सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन में आखिर होता क्या, क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या फीचर्स। तो पहली बात, क्या कर रहे हो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हो, यही तो काम हो रहा है, सिक्योरिटी बना रहे हो, तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये लिख देते हैं, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मेन तो उद्देश्य यही है, सिक्योरिटाइजेशन नाम ही लग रहा है, उसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्रिएशन कर रहे हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, सर ये क्या होता, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सिक्योरिटाइजेशन में होता क्या है, सुना है, बहुत सारे लोन हैं, उसका हम बंडल बनाए, एसपीवी को ट्रांसफर किए, एसपीवी ने उसको बंडल्स को खोल दिया
और सिक्योरिटी के तौर पे इश्यू करते हैं। दिस इज तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा क्या बताया सर मैंने, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। आगे और देख लेते क्या लिखा हुआ, टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है ये तो पहले भी हमने लिखा हुआ, बेनिफिट में ऑलरेडी लिखा हुआ। टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये तो ऑलरेडी इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो रिस्क था, मैं हूं ओरिजिनेटर, मैंने जो लोगों को लोन दिया है, मुझे रिस्क है कि कहीं वो पैसे देगी कि नहीं देगी, और मैंने क्या किया, उसको एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा डूबेगा तो इन्वेस्टर्स का डूबेगा, मेरा थोड़ी डूबेगा। बात कर अगर ये विदाउट रिकोर्स है, नॉन रिकोर्स। दूसरा स्ट्रक्चरल फाइनेंस, मैंने क्या बताया था, ऑफ बैलेंसिंग फाइनेंसिंग या स्ट्रक्चरल, मतलब लायबिलिटी साइड नहीं है, आप फाइनेंस तो हो रहा है पर ये स्ट्रक्चरल फाइनेंस है, इट मींस आप लोन्स को देखकर कैश ले रहे हैं, दिस इज स्ट्रक्चरल फाइनेंस। और पांचवा उसमें लिखा हुआ ट्रेंचिंग, ट्रेंचिंग मैंने आपको बता दिया, ट्रेंचिंग का मतलब आप क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस जो होता है ना, होमोजीनियस कोई 10 साल के लिए, उसको आप जब सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो तो अलग अलग ट्रेंच में सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो। तो ये फीचर्स में आ जाएगा, फीचर्स में तो और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, बेनिफिट वाला भी फीचर्स में डाल सकते हो, पर मेन फीचर्स क्या है अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रहे हो पहली बात, दूसरा बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंसिंग एंड ट्रेंच। बेटा ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी हालत में रट्टा मारना पड़ेगा, सीधी सीधी बात में बात, ठीक है सर। सर और क्या बताना, मैंने कहा टोटल मिलाकर कितने पॉइंट करवाना है मुझे, छः, छः में से कितना हो गया, पाँच। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर सिक्स, प्रॉब्लम। इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन होता है सर, यस, पर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, लास्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या प्रॉब्लम्स है सिक्योरिटाइजेशन में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है समझने की कोशिश करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैंप ड्यूटी। आप एक बात बताओ, डिबेंचर वगैरह जब हम इश्यू करते हैं, बैंक या लोन लेते हैं, डेट इश्यू करते हैं, तो क्या स्टैंप ड्यूटी लगती है? यस, और स्टैंप ड्यूटी का रेट बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है, तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में स्टैंप। दूसरा टैक्सेशन, सर टैक्सेशन का मतलब, टैक्सेशन का मतलब एक बात बताओ भाई, ऑब्लिगर्स पैसा देगा, किसको पैसा मिलेगा सर? वो तो इन्वेस्टर्स को मिलेगा। इनकम किसकी है? इन्वेस्टर्स की इनकम है कि बैंक की इनकम है कि एसपीवी की इनकम है? टैक्स किससे ले? बड़ी समस्या है, कहने सुनना आसान है पर बैंक भी तो इनकम के लिए काम कर रहा, तो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक को तो पैसा किससे मिला? एसपीवी से। एसपीवी को क्या फायदा? सब बड़ी प्रॉब्लम्स है, इट मींस टैक्सेशन समझ में नहीं आ रहा कि किसके किसके बुक्स में, किसके हैंड्स में टैक्सेबल किया जाए। जब टैक्सेशन है तो प्रॉब्लम अकाउंटिंग में भी होगी। यस सर, अकाउंटिंग, ओरिजिनेटर्स ने कहा क्या किया, अपने लोन्स एंड एडवांसेस को ट्रांसफर कर दिया, भले ही ऑफ बैलेंस फाइनेंसिंग है, ट्रांसफर कर दिया, ओके। और जो ऑब्लिगर से वो किसको पैसा देगा? रिसीविंग एंड पेइंग, हो सकता है वो इसको भी दे ओरिजिनेटर्स को। भाई अकाउंटिंग कैसे करोगे? अकाउंटिंग एसपीवी क्या अकाउंटिंग करेगा? बड़ी नॉन रिकोर्स, रिकोर्स बेसिस पे तो और समस्या, रिकोर्स बेसिस पे तो इन्वेस्टर्स को अगर ऑब्लिगर से पैसा नहीं मिल पाया तो पैसा किससे मांगा जाएगा? और फिर और दिक्कत है, फिर अकाउंटिंग क्या होगी? तो
ये भी एक प्रॉब्लम है, स्टैम्प ड्यूटी का है, टैक्सेशन का है, अकाउंटिंग है, और क्या है इसके अलावा, जितना भी ओरिजिनेटर्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, सब अपने इतने हिसाब से सिक्योरिटाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह रखते, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो यही प्रॉब्लम और है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसके लिए अभी तक ऐसा कोई रूल्स नहीं आया है कि क्या पेपर्स, क्या डॉक्यूमेंट्स, किस फॉर्मेट में, फिक्स फॉर्मेट नहीं है इसका। ओके सर, अब प्रॉब्लम और क्या है सिक्योरिटाइजेशन इंडिया में, इंडिया में क्या है, जैसे हमने सिक्योरिटी इश्यू कर भी दिया तो वो सिक्योरिटी ना उतनी लिक्विड नहीं होती, लिक्विड तो है पर उस स्पीड से काम नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ का इंडिया का डेट मार्केट बहुत बेकार है, उतना एडिक्वेट नहीं, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट डेट मार्केट, और इसके बाद ऑब्लिगर्स को हमने लोन दिया, व्हीकल लोन भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन भी हो सकता है, होम लोन भी हो सकता है, पर प्रॉब्लम है कि जब फोरक्लोज होता है, फोरक्लोज तो बड़ी सारी समस्या है, ऐसी ट्रांसफर नहीं मिलती, गाड़ियों के लोन होते, फोरक्लोज करना है, फोरक्लोज जो है ना वो इनएफेक्टिव है, इट मीन्स जो भी लोन है किसी ने पैसा डुबा लिया, पैसे नहीं दिए, तो वो गाड़ी को सीज करके बेचना उतना इजी नहीं है जितना है। तो इस वजह से किसका लॉस हो सकता है, इन्वेस्टर्स का लॉस हो सकता है, दिस इन इफेक्टिव फोरक्लोजर है हमारे यहाँ, तो वो भी हम तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैंने कहा मेन मेन सुनो मेरी बात, छः पॉइंट से तो छः पॉइंट लिखे जरूरी नहीं है, चार भी लिख दो, चार नंबर का क्वेश्चन चलेगा। तो अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम्स क्या सिक्योरिटाइजेशन में, एक तो स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा रेट है, दूसरा स्टैंप ड्यूटी के अलावा और क्या प्रॉब्लम है, सोचो सोचो सोचो, स्टैंप ड्यूटी के अलावा सर अकाउंटिंग, यस सर, टैक्सेशन, यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, यस, इसके अलावा सर फोरक्लोजर में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाँ, और हमारे यहाँ का डेट मार्केट इनफेक्टिव है, बिल्कुल, तो ये हो सकता है। तो टोटल मिलाकर 6 पॉइंट्स, इसके अलावा भी और पॉइंट है, सातवां पॉइंट कि यार जो सिक्योरिटी आप इश्यू कर रहे हो उसका वैल्यूएशन कैसे किया, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा ना, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, भाई अलग अलग एंगल है। अगर मैं ओरिजिनेटर्स तो मैं कहूँगा यार जितना मैंने लोन दिया है, जितना मेरा आउटफ्लो है उतना तो पैसा आ ही जाना चाहिए, उस हिसाब से मैं वैल्यूएशन करूँगा। और जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स वो कहेंगे यार ये पैसा आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब सिक्योरिटी का वैल्यूएशन, हालांकि इससे क्वेश्चन बनने का सवाल ही पैदा नहीं था, सिक्योरिटी का वैल्यूएशन अलग अलग एंगल से हो सकता है, ओरिजिनेटर के एंगल से जितना पैसा गया उतना आ जाए, और इन्वेस्टर्स के एंगल से जो पैसा आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू हम देने को तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सिक्योरिटाइजेशन में ये सब कुछ था। अब एक काम कर लेते हैं, जो भी मैंने समझाया हूँ वो स्टडी मैट में तो है और मैंने स्टडी मटेरियल की ही लैंग्वेज समझाया, तो उसको एक बार रीड कर लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास मेरे ख्याल से बुक है, यस सर बुक मिल गई है, आप डिस्क्रिप्शन, आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह, अगर यूट्यूब में ये लेक्चर डला तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर नहीं डला हुआ तो आपको PDF मिलना ही मिलना। तो सर देखते हैं, यस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर पार्टिसिपेंट, तो मैंने कहा टोटल मिलाकर कितने पार्टिसिपेंट, दो, कौन कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी। तो बात करते प्राइमरी, और प्राइमरी पार्टिसिपेंट में मैंने आपको कितने लोगों के विषय में बोला था, एक तो हो गया ओरिजिनेटर, दूसरा हो गया SPV और तीसरा कौन हो गया इन्वेस्टर्स। ओरिजिनेटर्स के विषय में सर ये जो हेडिंग है ना बेटे ये लिखना जरूरी है, ओरिजिनेटर SPV, हाँ इसके सर अंदर, इसके अंदर तो आप लिख सकते हो कोई दिक्कत है, और इसके अंदर लैंग्वेज यही हो, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिनेटर क्या है, पर बात समझने की कोशिश करना, ये हेडिंग आपको तो एज इट इज लिखनी पड़ेगी,
इसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैंने कहा कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, 3 प्राइमरी में, ओरिजिनेटर हो गया, एसपीवी हो गया, आगे चले तो आगे मैंने जो किसकी बात किया था, इन्वेस्टर्स हो गए 3। बाकी बहुत सारी सर, जनरली इन्वेस्टर्स होते कौन है सर? बहुत सारे लोग पब्लिक होते कि बेटे जनरली ना इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, छोटे छोटे लोग जो पब्लिक होती है ना वो बहुत कम होती है, बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी पार्टिसिपेंट में मैंने आपको जो बात किया था, सबसे पहले बात मैंने किसकी किया था, ऑब्लिगर्स। ऑब्लिगर्स कौन होते सर? ऑब्लिगर्स वो होते हैं जिनको ओरिजिनेटर्स ने लोन दे रखा है, ऑब्लिगर्स, ठीक है। उसके बाद रेटिंग एजेंसी, रेटिंग एजेंसी की बात मैंने क्यों किया था याद है? रेटिंग एजेंसी, हाँ, जो इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड वगैरह या जो भी हो, वो पैसा क्यों लगाएंगे? वो पैसा इसीलिए लगाएंगे, वो पक्का चेक करेंगे कि वो जो ऑब्लिगर्स हैं उनका क्रेडिट रेटिंग सही है या सही नहीं, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, आगे मैंने किसकी बात करवाया था, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट ये कौन होते थे? रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट वो लोग होते हैं जो ईएमआई को कलेक्ट करते हैं और फिर वो उसको रिपेमेंट करते हैं। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट ओरिजिनेटर खुद भी हो सकता है, यहाँ लिखा ओरिजिनेटर भी रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। क्या ट्रस्टी होना जरूरी है? यस, मैंने पहली बात किया, ट्रस्टी की तो जरूरत है भाई, बिना ट्रस्टी के तो काम नहीं हो सकता। और एक क्रेडिट इन्हेंसर की मैंने बात किया था, जो क्रेडिट इन्हेंसर के विषय में क्या बताया था सर? क्रेडिट इन्हेंसर वो होते हैं जो गारंटी देते हैं, अगर ऑब्लिगर्स ने पैसा नहीं दिया तो हम पैसा देंगे, तो क्या क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है उसके? और क्या, और भी होते हैं मेरे ख्याल से, यस। और एक कौन होता है? स्ट्रक्चरर। स्ट्रक्चरर कौन होते हैं सर? स्ट्रक्चर इन सब के बीच में भाई कोई ना कोई तो डील करवाने वाला हो ना, और जो डील करवाता है वो स्ट्रक्चरर कहलाता है। ये था पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट हो गए? 2, प्राइमरी और कौन सा, सेकेंडरी। अब बेनिफिट क्या होता है सर? तो बेनिफिट आपको अलग अलग एंगल से पढ़ना पड़ेगा, एक किसके, ओरिजिनेटर्स के एंगल से, और एक किसके एंगल से, ओरिजिनेटर्स के एंगल से, और एक इन्वेस्टर्स के एंगल से। ओरिजिनेटर्स के एंगल से फायदा क्या, एक तो ऑफ बैलेंसड फाइनेंसिंग है सर। ऑफ बैलेंसड फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी बड़ी नहीं, आपने ऑन बैलेंसड नहीं, ऑफ बैलेंस लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी, आपने लोन्स एंड एडवांसेस को ट्रांसफर करके कैश ले लिया। दूसरा ये हम भूल गए थे, ये भी एक है, क्या होता है, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। ये अच्छा पॉइंट है बेटी, समझने की कोशिश करो। ओरिजिनेटर्स जो होते हैं, अब एक बार बताऊं, अगर वो यही लोग सिक्योरिटी इश्यू करने का काम कर दे, यही सब काम करे, ओरिजिनेटर का काम क्या भैया, लोन दो, बात खत्म। तो ओरिजिनेटर क्या है, पैसों का अरेंजमेंट के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता, वो सिक्योरिटी इश्यू वगैरह बोले वो एसपीवी जाने, हमारा मेन काम है हमारा बिजनेस, और हमारे बिजनेस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ये भी अच्छा है। और क्या फायदे हैं? और फायदे दिख रहे हैं आपको, फाइनेंशियल रेशियो में इंप्रूवमेंट हो जाता है, फाइनेंशियल रेशियो में जनरली बात किसकी होगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की मैंने बात किया था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, कोई शक ही नहीं, बोरिंग कॉस्ट तो कम होगी। क्यों कम होगी ये भी मैंने आपको समझाया है, कम क्यों होगी बोरिंग कॉस्ट, क्योंकि यार मैं उधार लेने की अपेक्षा एसपीवी उधार लेगा, उसका तो डेट है ही नहीं, और मेरा तो डेट है, तो हो सकता है मुझे महंगे में उधार मिले, जबकि एसपीवी को तो सस्ते में उधार मिल जाएगा, डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा किसके एंगल से बात कर लेते हैं, इन्वेस्टर्स के एंगल से। तो इन्वेस्टर्स के एंगल से फायदा क्या है, चलो देखते हैं इन्वेस्टर्स के एंगल से फायदा क्या है। इन्वेस्टर्स को एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा सर, डाइवर्जिफिकेशन। ऑफ डाइवर्जिफिकेशन का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि यार अलग अलग जगह जो सिक्योरिटी परचेस कर रहे हैं ना हम लोग, जो सिक्योरिटी परचेस कर रहे हैं उससे जो पैसा मिलने वाला वो एक से नहीं मिलने वाला, बहुत सारे लोगों से मिलने वाला है, डाइवर्जिफिकेशन। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट,
क्योंकि बैंक जहां हमने इन्वेस्ट करा, जहां इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है अल्टीमेटली ऑब्लिगर्स, तो बैंक ने उन ऑब्लिगर्स के प्रॉपरली चेकिंग किए होंगे, बैंक ने लोन ऐसे नहीं दिया होगा, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। इस वजह से डिफॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो जाता है, ऑब्लिगर्स पैसा देगा, ऑब्लिगर्स ने नहीं दिया इन्वेस्टर्स को पैसा तो ओरिजिनेटर्स देगा, अगर रिकोर्स, अगर ओरिजिनेटर्स ने भी नहीं दिया, रिकोर्स बेसिस पे नहीं है, नॉन रिकोर्स है, तो फिर भाई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी तो पड़ा है, उससे काम चला सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब कुछ था इसमें। आगे है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस में आप काम क्या क्या करोगे, तो काम क्या क्या करोगे ये आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, एसेट्स को पुल, एसेट्स को पुल करोगे पहला काम, उसको क्या करोगे ट्रांसफर कर दोगे किसको, एसपीवी को, और एसपीवी क्या करेगा उन सिक्योरिटी को सेल कर देगा। पर एक बार में तो एडमिनिस्ट्रेशन तो होना जरूरी है, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट वगैरह ये सब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। और अगर पैसा नहीं दिया तो पैसा किससे रिकवर किया जाएगा, ओरिजिनेटर से रिकवर किया जाएगा। इसके अलावा और एक पॉइंट होना चाहिए, हाँ, इसके अलावा क्या हो जाएगा, रिपेमेंट ऑफ फंड, फंड का रिपेमेंट होगा, और क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग भी किया जाएगा। हालांकि अलग अलग लिखा हुआ, हम पहले सीक्वेंस में भी लिख दो चल जाए। फीचर्स क्या, अभी पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन होगा, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के विषय में क्या समझाया था कि यार जो ऑब्लिगर्स है, रिस्क तो था, वो रिस्क मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी और को। स्ट्रक्चर और फाइनेंस ये भी समझाया था, और क्या बताया था, ट्रेंचिंग, ट्रेंचिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक होमोजेनिटी, ये आप पढ़ लोगे कि आप अलग अलग लोन को, अलग अलग लोन होमोजीनियस लोन जो है, होमोजीनियस 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, इस तरह से आप सेम लोन जो है, सेम मैच्योरिटी पीरियड है, सेम मैच्योरिटी पीरियड के लोन, उनका एक ट्रेंचिंग करते हो। बाकी ये पढ़ लोगे छोटी सी बात की, हालांकि हम पॉइंट भूल गए थे पिछले बार। सर इसके अलावा और क्या था, और क्या था, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, कितने इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या बताया, पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट में होता क्या था, पास थ्रू सर्टिफिकेट में सर ऐसा होता था कि जो जितना जितना पैसा आता जाता था हम लोग पास करते, ऑल कैश फ्लो आर ट्रांसफर टू द इन्वेस्ट। दूसरा क्या मैंने बताया, पे थ्रू सिक्योरिटी। पे थ्रू सिक्योरिटी में भाई पूरा पैसा नहीं, इसमें ट्रेंच बना लिया जाता था, और जो पैसा बचता था ना उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देते थे। ये बस ये एक दो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो आप रीड कर लोगे। यहाँ लिखा पास थ्रू सर्टिफिकेट में ऑल कैश फ्लो दे दिए जाते, जबकि पीटीएस में, पे थ्रू सिक्योरिटी में जो कैश है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या, कौन सी सिक्योरिटी, स्ट्रिप्ट। स्ट्रिप्ट में यह स्ट्रिप्ट, एक है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी और एक होता है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी में जिन्होंने खरीदा होगा उसको हम इंटरेस्ट देंगे, और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी में हम प्रिंसिपल देंगे। बस ये ज़्यादा क्या वॉलिटिलिटी होता है, क्यों होता मैं आपको समझा चुका हूँ, वही जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर यील्ड बढ़ेगा तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी क्या होगी, गिरेगी, और इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। प्रॉब्लम्स क्या सिक्योरिटाइजेशन में, प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम क्या बताया मैंने, स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा है, समस्या है। दूसरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, दूसरा है टैक्सेशन। टैक्सेशन के विषय में पता ही नहीं है कि कौन टैक्स देगा, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एसपीवी देगा क्योंकि वो ट्रस्टी है, या फिर इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, कह नहीं सकते। तीसरा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पता नहीं है कि भाई अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, डेट मार्केट नहीं है अच्छा, और इन इफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ।
तीसरा प्राइसिंग कैसे होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा। भाई दो अलग अलग एंगल है, ओरिजिनेटर्स के एंगल से बात कर लो और इन्वेस्टर्स के एंगल से बात कर लो। ओरिजिनेटर्स के एंगल से बात करोगे तो जितना उनका पैसा गया है, जो पैसा गया है उतना पैसा आ जाना चाहिए, इस तरह से एमोर्टाइज कर दिया जाएगा। जबकि इन्वेस्टर सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कैसे करेगा, वो कहेगा भाई जो पैसा आने वाला है उसको हम डिस्काउंटिंग करेंगे, और डिस्काउंटिंग किससे, फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग कर लेंगे, किससे, YTM से, सिमिलर कंपनी का बात खत्म हो जाएगी। तो ये सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छह पॉइंट आपको करना है, छोटा सा चैप्टर है, प्लीज करके जाओ। थैंक यू।